प्यारे साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ कटाई करने का मौका मिला है उसका उनवान है माँ। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है माँ बोलने में एक लफ्ज़, कहने में एक रिश्ता, लेकिन वो सिर्फ इतनी कि तमाम मोहब्बतें दम पर जाती है। इस मोहब्बत के आगे माँ अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से सर फहरिस्त है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह की इबादत करो, किसी को उसके साथ शरीक न करो और वालदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। अल्लाह ताला ने ईमान के बाद वालदैन से हुस्ने सलूक करने का हुक्म दिया है और माँ वो हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे कोर पर अल्लाह ताला से हम कलाम करने के लिए जाते, एक दिन जब उनकी वादा वफा पा गई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा अब संभल के बात करना, क्योंकि तेरे पीछे वो माँ नहीं है जिसके पीछे मैं तेरी गलतियाँ माफ कर देता था। किसी ने क्या फिर कहा है, किसी ने क्या फिर कहा है, ये एक ऐसा कर्ज है जिसे बदा कर भी नहीं सकता। जब तक मैं घर न जाऊँ मेरी माँ सच्चे में रहती है। जब गुलाम वालदैन की तरफ मुस्कुरा कर देखती है, जब गुलाम वालदैन की तरफ मुस्कुरा कर देखती है तो अल्लाह उसे भी ले किया देता है। जब कोई बेटा या बेटी अपनी माँ को मुस्कुरा कर देखती है तो अल्लाह ताला उसे मकबूल हज का सवाब देता है। सहाबा किराम ने पूछा दो बात, तो आप सलम ने फरमाया जितनी बदबा देखे उसने उसे इतने हज का सवाब मिलता है। माँ की मोहब्बत लाजवाब है, बेमिसाल है, मुसीबत में हौसला और सहारा देती है। जिंदगी की धूप में माँ छाँव की तरह है। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। जिसके पैरों में नीचे जन्नत है उसके सर का मुकाम क्या होगा, जिसके पैरों में नीचे जन्नत है उसके सर का मुकाम क्या होगा। फरमाने रसूल है, जिसने वालदैन की दाद की उसने रसूल की दाद की, और जिसने रसूल की दाद की उसने अल्लाह की दाद की। जिसने माँ की नाफरमानी की तो मुसीबत में इतला कर दिया जाएगा। इस माँ अपनी दाद को भूल कर नाज के मुश्किलों को दूर करती है, इस तरह गुनाहों को धो देती है। माँ गुस्से में हो तो रो देती है, माँ गुस्से में हो तो रो देती है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मैं सारी मखलूक का रब हूँ, मैं मालिक ए कायनात हूँ, मैं रहमान हूँ, तेरी सौत से भी ज्यादा करीब हूँ, तेरी शहरत से भी ज्यादा करीब हूँ और तुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। कितनी मोहब्बत जानते हो, कितनी मोहब्बत जानते हो, 70 माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह ताला ने इस मिसाल को बयान करने के लिए माँ को पैमाना बनाया है, अल्लाह ताला ने इस मिसाल को बयान करने के लिए माँ को पैमाना बनाया है। इस मिसाल के आगे खुदारा माँ की मोहब्बत की तरफ की जाए, इसकी नाफरमानी से बचो। दुश्मन भी इनके हबीब होते हैं, दुश्मन भी इनके हबीब होते हैं। जिनके पास माँ होती है वो खुश नसीब होते हैं, जिनके पास माँ होती है वो खुश नसीब होते हैं। जैसा कि सही मुस्लिम और सही बुखारी में है हदीस है, किसी की इबादत न करो और वालदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे पास